कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जो कि कृषि और बागवानी के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस योजना पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्री संजय शर्मा जी, जो कि संयुक्त निदेशक है उद्योग विभाग में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर, मैं यही जानना चाहूंगी कि योजना कब शुरू हुई और इसका क्या उद्देश्य है। देखिए कि जैसा हम सब जानते ही हैं कि सरकारी क्षेत्र में आजकल रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, तो सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, परोपकारी राज्य होने के कारण उनका यही कोशिश रहती है कि वो अपनी जनता के लिए, अपने युवाओं के लिए ऐसी योजना निकालें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार को प्रेरित करती हो, आकर्षित करती हो। तो इसी उद्देश्य से इस वर्तमान सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के नाम से एक योजना निकाली। जैसा कि इसका नाम ही आप देख रहे हैं कि स्वावलंबन मतलब अपने पैरों पर खड़ा होने की एक योजना है, स्वरोजगार को प्रेरित करने वाली योजना है। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले लगभग अब 3 साल होने को आए हैं इस स्कीम को, और हिमाचल में कोई 32 लाख ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच में है। तो ऐसे युवाओं के अब तक लगभग 3500 ऐसे उद्यम हैं जो इस योजना के अंतर्गत जिन युवाओं ने अपने कार्यक्रम और अपने उद्यम शुरू किए हैं। योजना बहुत ही आकर्षक है। ये इसमें मुख्य शर्तें ये हैं कि एक तो जो युवा, जो उद्यमी इसमें भाग लेना चाहता हो, लाभान्वित होना चाहता हो, उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। हाँ, अगर महिला उद्यमी है तो उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है, मतलब वो 50 साल तक आवेदन कर सकती है। उनका हिमाचली मूल का निवासी होना बहुत ज़रूरी है, ये दो मुख्य शर्तें हैं इसमें। और जब भी हम कोई नया उद्यम शुरू करते हैं तो उसके लिए एक परियोजना बनती है जिसे हम की परियोजना रिपोर्ट बोलते हैं, तो वो परियोजना रिपोर्ट इस योजना में 1 करोड़ रुपए तक की होनी चाहिए। जब आपकी 1 करोड़ की यदि परियोजना रिपोर्ट है तो उसमें 60 लाख तक की जो उपकरण, संयंत्र या जिसे हम एक साधारण टेक्निकल भाषा में प्लांट व मशीनरी बोलते हैं, उस पर यदि आप पुरुष उद्यमी हैं तो 25% का अनुदान मिलेगा। यदि आप महिला उद्यमी हैं तो उसमें बढ़ा करके महिलाओं को और प्रेरित करने के लिए 30% का अनुदान रखा गया है। और कई बार आप समझते हैं कि कई बार कुछ असामयिक ऐसी घटना हो जाती है कि महिला, जो विवाहित महिला है, उसका पति की अगर मृत्यु हो जाती है और वो विधवा हो जाती हैं, तो उनको भी, वो बेरोजगार ना रहें, उनकी कोई आय का साधन बने, उसके लिए उनको आकर्षित इस योजना में करने के लिए अनुदान की राशि बढ़ा करके 35% कर दी गई है जी। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो अनुदान के साथ साथ इसमें 60 लाख रुपए तक का यदि आप ऋण लेते हैं बैंक से, तो 3 साल तक 5% इसमें आपको ब्याज की छूट लगातार दी जाएगी, बशर्ते आप अभी आपने अपनी किश्तों में कभी डिफॉल्ट ना किया हो, मतलब आपने लगातार किश्तें समय समय पर बैंक की। सर, मैं आपको एक मिनट रोक रही हूँ। दर्शकों को हम बता दें कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आप हमारे कार्यक्रम में सीधा जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2800177 और दूसरा नंबर रहेगा 2800178। शिमला से बाहर के दर्शक शिमला का एसटीडी कोड 0177 अवश्य लगाएं। सर, आप जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें एक तो अनुदान का कंपोनेंट है, दूसरा आपको ब्याज, अनुदान ब्याज पर भी छूट मिलती है, और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बैंक में कई बार ऋण लेने के लिए जाते हैं तो बैंक ये ज़रूर कहता है कि भाई आपका ऋण की राशि तो बहुत ज़्यादा है, इसमें आप गारंटी के तौर पर क्या देंगे। तो कई बार उद्यमी इस हालत में नहीं होता है कि वो अपने तौर पे कोई गारंटी बैंक में दे सके, इसलिए भारत सरकार का ने एक ऐसा कोष बना रखा है जिसे हम CGTMSE या क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक ऐसा फंड ये बनाया गया है भारत सरकार की तरफ से, जो कि जो ऐसे युवा हैं, जो ऐसे उद्यमी हैं जो अपनी तरफ से गारंटी नहीं दे सकते हैं, उनको इस फंड के माध्यम से गारंटी दी जाती है। बस शर्त इसमें यह है कि बैंक इसमें बहुत ही कम अमाउंट का, कम मार्जिनल सा एक प्रोसेसिंग फीस लेता है, परंतु इसमें एक आकर्षक बात यह है इस योजना की, वो प्रोसेसिंग फीस भी
उद्योग विभाग द्वारा उद्यमी के बिहाफ पर वो बैंक को दे दी जाती है। तो इसमें तीन आकर्षक चीज़ें आ गई। सबसे पहले कि इसमें अनुदान मिलेगा कम से कम 25%, अधिक से अधिक 35%, फिर 5% 3 साल के लिए ब्याज में छूट है, और जो अगर आप गारंटी क्रेडिट गारंटी फंड से लेना चाहते हैं तो जो भी प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो आपको वापस हो जाएगी। जी, ये बात तो हुई हमारी फीस की, अब आप बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का। देखिए, उद्देश्य तो जाहिर है कि स्वरोजगार योजना, जैसे इसका नाम ही जाहिर है कि लोग सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागें, अपने आप अपने घर द्वार पर बैठ करके, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग नौकरी की तलाश में अपने गाँव को छोड़ करके बाहर पलायन कर रहे हैं, वो लोग अपने घर बार पर बैठ करके ही अपना काम भी कर सकते हैं, परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं, और अपना छोटा मोटा उद्यम इस योजना में लाभान्वित होकर वहीं पर लगा करके स्वयं तो अपने को रोजगार सृजन करते ही हैं, साथ ही 2-4 और लोगों को भी रोजगार के अवसर देते हैं। जी सर, ये तो बात की हमने इसकी उद्देश्य की, अब ये जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो आवेदन कैसे करें। जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सबसे बड़ा उद्यमियों को यही रहता है कि ये योजना का तो आपने बता दिया, पर इसको आगे इसमें फॉर्म कैसे भरा जाए या आगे इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल आपने सबने सुना होगा व्यापार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, बहुत बड़ा जोर है। मकसद इसका यह है कि उद्यमी को घर बैठे ही वो आवेदन कर सके और उसको एक निश्चित समय अवधि में घर बैठे ही उसकी स्वीकृति आवेदन की या जो भी उसको सरकार की तरफ से अनुमतियां मिलनी है वो घर बैठे ही कंप्यूटर के माध्यम से मिल जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना को भी पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन का अर्थ है अब आपको कागज़ पेंसिल पर अपना आवेदन नहीं भरना है, सरल और सुगम बना दिया गया है। आपने कंप्यूटर के माध्यम से, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो हमारी एक वेबसाइट है जो बनाई गई है उद्यमियों के लाभ के लिए, उसका नाम है mmsy.hp.gov.in। जैसे कि इसका नाम है MMSY मतलब मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना .hp.gov.in। इस पर अगर आप गूगल पे इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक सुविधा आएगी, आपको सबसे पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा ताकि आपका एक कोड जनरेट हो, एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा जिसके माध्यम से आप एक बार लॉगिन करेंगे तो जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन जो आपने आवेदन किया है उसका स्टेटस जानना हो कि मेरी एप्लीकेशन किस कहाँ पहुँची है, कार्यालय में पहुँची है, बैंक में पहुँची है, इसकी स्वीकृति की क्या पोजीशन है, वो सारे आप अपने उस लॉगिन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण का प्रोसीजर है वो क्या है? पंजीकरण मतलब जैसे ही आप ये साइट खोलेंगे वहाँ पर आएगा इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको आपके आधार और ईमेल के माध्यम से एक पासवर्ड, एक ओटीपी, जैसे कि क्षमा करें, एक ओटीपी बनेगा और उस ओटीपी के माध्यम से आपका एक यूजर आईडी बनता है, वो आप हमेशा अपने पास उसके माध्यम से आप जब भी चाहे अपने उसका स्टेटस जान सकते हैं। जब आप एक एप्लीकेशन भर देते हैं उसमें, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यदि किसी उद्यमी को ये एप्लीकेशन भरने में कोई दिक्कत भी आती है तो हमारे हर ज़िला में जिला उद्योग केंद्र है, वहाँ पर हमने एक हेल्प डेस्क मतलब एक तरह का सहायता केंद्र खोला हुआ है, वहाँ पर भी जा करके किसी उद्यमी को वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है या उसको उतनी जानकारी नहीं है तो वहाँ पर जा करके वो इस योजना का फॉर्म भर सकता है, उसको पूरी जानकारी दी जाएगी। ये पूरे निर्देश सारे हमारे कार्यालयों को दिए गए हैं और इसमें कुछ उसको अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में अपलोड करने पड़ते हैं, जिनमें कि एक उसका बोनाफाइड हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, फोटो, और ये छोटी सी एक परियोजना रिपोर्ट कि वो क्या करना चाहता है वो भी उसके पास तैयार रहनी चाहिए, एक आयु का प्रमाण पत्र, चाहे तो वो 10वीं का सर्टिफिकेट लगा सकता है या आधार कार्ड में भी कई बार डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है वो भी चल पड़ेगा। तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट उसमें आप अपलोड कर दीजिए और आपकी एप्लीकेशन, यदि आप शिमला में काम करना चाहते हैं, शिमला के निवासी हैं, तो शिमला जिला उद्योग केंद्र में जाएगी, अगर आप लाहौल स्पीति में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर चली जाएगी। और आपको ये, मैंने जैसे बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसमें लागत नहीं लगेगी,
और आपको जो हमारा ज़िला उद्योग केंद्र है वो एक या दो दिन के अंदर, वो जो बैंक आप जिस बैंक से ये फ़ायदा लेना चाहते हैं उस बैंक में ये एप्लीकेशन चली जाती है। बैंक उसमें प्राथमिक विवेचना, जिसको स्क्रूटनी कहते हैं, वो करता है, जिसमें कि वो आप देखेगा कि आपका कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, आपका सिबिल स्कोर, जिसको सिबिल स्कोर, उससे पता लगता है कि आप की ऋण लेने की आपकी योग्यता क्या है। तो अगर आपका सिविल स्कोर 650 या 700 के करीब है तो आपको इसमें ऋण लेने का पात्र माना जाता है। और जब ये वापस बैंक से ज़िला उद्योग केंद्र में फिर वापस ये एप्लीकेशन आती है तो ज़िला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक छोटी सी कमेटी बनी है, जिसमें बैंक के अधिकारी और दूसरे अधिकारी, दो चार पाँच लोग होते हैं, उनके द्वारा थोड़ी सी इसकी स्क्रूटनी की जाती है। कई बार जो उद्यमी इसमें ऋण लेना चाहता है उसे पूछा भी जाता है, फ़ोन के माध्यम से भी या इंटरव्यू के माध्यम से ये पूछा जाता है कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं कि ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, और थोड़ी बहुत जानकारी और लेकर के यदि कमेटी इससे संतुष्ट हो जाती है तो पूरा प्रकरण जिला उद्योग केंद्र के द्वारा दोबारा से उस बैंक को भेजा जाता है जी। और बैंक द्वारा जब ये ऋण स्वीकृत हो जाता है तो दो किश्तों में ये अनुदान की राशि जो ऋणी को वितरित की जाती है। पहले तो ये है कि जैसे ही लोन की पहली किश्त वो वितरित होती है उसको, तो 60% अनुदान उसके खाते में चला जाता जी। और जब वो अपना काम शुरू कर देता है उसके पश्चात थोड़ा सा जो वेरिफिकेशन है हमारे ज़िला उद्योग केंद्र या उद्योग विभाग के अधिकारी वहाँ जाके करते हैं कि वाकई जो जिस चीज़ के लिए इसने ऋण लिया है क्या वो चीज़ वहाँ पर लगी भी है कि नहीं है, जो कि और वो संतुष्टि होने पर अपनी रिपोर्ट वो फिर कार्यालय में जमा कराते हैं और बाकी की बची जो 40% की राशि है वो दोबारा से उसके खाते में आ जाती है। और ये राशि 3 साल तक FD के रूप में उसके खाते में रहती है और 3 साल के बाद इसका समायोजन हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आपकी ऋण अदायगी की सीमा 3 साल से या 1 साल से 5 साल के अंदर आपको वो ऋण देना है, 3 साल के बाद आपको पाया जाता है कि आपका बहुत अच्छा कार्य चल रहा है तो, और आपको समय कुछ ऋण राशि अभी देने को बाकी है, तो वो जो अनुदान आपके अकाउंट में पड़ा है वो समायोजित हो जाता है और आपको कोई आगे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे अनुदान राशि का फायदा उस उद्यमी को होता है जी। तो इस तरह का इसमें आवेदन प्रक्रिया है जी, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम विशेष तौर पर कृषि और बागवानी से जुड़ा हुआ है जी, जी, तो उस क्षेत्र से जुड़े उद्यम कौन कौन से जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं जी? जी बिल्कुल, आपने, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये हमारे इस समय कृषि और बागवानी से जुड़े जो क्षेत्र है उसमें भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो ज़रूर उत्सुक होंगे कि हम कृषि और जुड़े ऐसे से जुड़े कौन से या बागवानी से जुड़े ऐसे कौन से उद्यम हैं जिसमें वो लगा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए, काम तो इसमें कोई भी किया जा सकता है, कोई भी आर्थिक गतिविधि जिससे कि आपको आमदनी हो वो की जा सकती है। सिर्फ फसल पैदा नहीं करनी है, उसके अलावा उससे जुड़ी जिसके बोलते हैं ना पोस्ट हार्वेस्ट, या फसल तो पैदा करना एक अलग एक्टिविटी है परंतु उसके साथ जुड़ी हुई कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें आपको उपकरणों की, संयंत्रों की जरूरत पड़ती है, तो वो सब चीजें इसमें शामिल है। मैं कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा जी। जैसे सबसे पहले है कि साइलेज बनाने की इकाई स्थापित करना। साइलेज जिसके बारे में हमारे सारे भाई जो इस समय दर्शक हैं वो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो परिचित ही हैं। साइलेज एक ऐसी खाद, एक ऐसा चारा है। देखिए, हमारा किसान या बागवान इसमें चिंतित रहते हैं कि साल भर हरा चारा हम अपने पशुओं को कैसे खिलाएं। और जो कि हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सूखा रहता है, ठंड रहती है, वहाँ पर चारा उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वो जो मक्का है, ज्वार है, जई है, बाजरा है, उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में वो ड्रमों में, बहुत जो कुछ बड़े बड़े ड्रम होते हैं उनमें उसको ढंग से पैक कर दिया जाता है जिससे उसमें हवा ना जाए, जिसको बोलते हैं एनएरियोबिक रेस्पिरेशन, अगर आप विज्ञान की भाषा में कहें कि हवा का बिल्कुल भी हवा नहीं रहनी चाहिए। और उससे क्या होता है, उसमें थोड़ा सा गुड़ और नमक का जो है घोल जो है, इसके बारे में तो ज़्यादातर हमारे कृषि वैज्ञानिक ज़्यादा जानते हैं, परंतु जो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है इसका वो मैं आपको बता रहा हूँ, गुड़ और नमक का उसमें छिड़काव भी किया जाता है और उसके बाद उसको
पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। उससे होता क्या होता है कि इस जो ये मिश्रण जो ये वहाँ पर हमने बंद करके रखा है उसकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है पीएच जिसको कहते हैं वो 7 से कम हो जाती है, मतलब वो अम्लीय बन जाता है और उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है और उसकी वजह से वो बहुत ही मुलायम बन जाता है। और जब हम इसको 30 या 40 दिन बाद उसको खोलते हैं तो वो बड़े एक सुनहरे रंग का जो है खाद्य बन जाता है जिसको कि पशु बड़े चाव से खाते हैं, गाय हो भैंस हो, और उनमें पोषक तत्वों की भी बड़ी जो मात्रा बढ़ जाती है। अब आप देखिए अगर आप पुआल या सूखा चारा खिलाएंगे तो उनमें उतने पोषक तत्व नहीं होते हैं जितने कि हमारे इस साइलेज में होते हैं, और इससे दूध की देने की क्षमता भी पशुओं की बहुत बढ़ती है और किसान और बागवान जो है साल भर इसका चारा अपने पशुओं को खिला सकते हैं। तो देखिए इसमें कई चीज़ें जुड़ी हैं, एक आपका शेफ कटर है, दूसरी टिलिंग मशीन है, साइलेज बनाने की मशीन है, शेड बनाना है जहाँ पर कि आप ये ड्रम ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अपनी आप परियोजना रिपोर्ट में शामिल करके इस योजना के अंतर्गत साइलेज बनाने की जो इकाई स्थापित करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब आप दूसरी चीज़ को देखिए, डेयरी प्रोजेक्ट। डेयरी प्रोजेक्ट मतलब जिसमें आप दूध से दुग्ध उत्पादन या उससे जुड़ी चीज़ों का उत्पादन करते हैं, परंतु इस योजना में शर्त यह है कि कम से कम 10 गाय या 10 भैंसें आपको रखनी पड़ेगी। इसमें आप दो एक कंपोजिट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक तो आप डेयरी शेड जहां पर आपका पशु रहेंगे वो जहां पर आप दूध निकालेंगे, और एक दूसरा शेड जहां पर कि यदि आप एक तो दूध बेचने का हो गया, दूसरा दूध से बने हुए उत्पाद जिसमें दही है, पनीर है, घी है, वो आप एक अलग जो उसमें कमरा है वो उसके साथ आप बना सकते हैं कंपोजिट यूनिट, और उसके साथ आप चाहें तो अपने इन चीज़ों को बेचने के लिए साथ ही एक रिटेल बिक्री केंद्र भी खोल सकते हैं। तो एक कंपोजिट यूनिट आप इसमें शामिल करके इस योजना में अपनी परियोजना में शामिल कर सकते हैं। और इस परियोजना में मैंने जैसे कहा कि 1 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट बना सकते हैं और आराम से ये सारी चीज़ें उस परियोजना में शामिल हो सकती हैं। कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते। बिल्कुल, अब कोल्ड स्टोरेज के देखिए हमारे कई ऐसे इलाके हैं, ऊना का इलाका है, सिरमौर जो गर्म कांगड़ा का इलाका है जहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, और आप अगर दूध को शाम को आसपास के गाँव से घरों से दूध इकट्ठा करते हैं दूध खराब हो जाएगा, और जो दूसरी दही है पनीर है वो भी खराब होने की आशंका रहती है। तो इसलिए आपको कोल्ड स्टोरेज उसका होना बड़ी ज़रूरी है जिसमें आप फ्रिज और दूसरी अभिशीतन जिसमें करते हैं ऐसी एक ऐसा वो बना सकते हैं व्यवस्था उसमें। तो अगर ये व्यवस्था तैयार करने के लिए जो आपको जो उपकरण चाहिए वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और अपने उत्पाद को नज़दीक के शहर में बेचने के लिए आपको जो रिफर ट्रक, जिसमें रिफर ट्रक का मतलब उसमें वो तापमान कम हो जाता है और ऐसा एक चैम्बर बना होता है उस ट्रक में जिसमें आप माइनस में तापमान रख सकते हैं और अपने उत्पादों को ताकि बिना ख़राब हुए उनको मार्केट तक बेच सकते हैं। जी, तो ये एक जो कोल्ड स्टोरेज का जो योजना है और जो प्रोजेक्ट है वो भी आप इसमें ऐसे शामिल कर सकते हैं। दूसरा एग्रो टूरिज्म और फार्म टूरिज्म, भले ही ये सुनने में कुछ नया लगे पर इसमें नया कुछ नहीं है। आजकल बहुत सारे हमारे शहरों में रहने वाले खासकर जो महानगरों में रहते हैं जिन परिवारों के बच्चों ने कभी गांव देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि गाय भैंस फसल कैसे पैदा करते हैं, तो ये एग्रो टूरिज्म एक बहुत अच्छा व्यवसाय उभर कर आ रहा है जिसमें रोजगार के साधन काफी उपलब्ध हो रहे हैं इसमें, जिसमें कि आप एक पर्यटक के रूप में वहां पर आते हैं, आपको अच्छे रहने की व्यवस्था है वहां पे, साथ में किचन है गांव का बना हुआ, आप खाना खा सकते हैं, आप गांव के में कैसे खेती हो रही है, कैसे हल चलाया जा रहा है, कैसे फसलें पक रही हैं, उनकी तोड़ाई हो रही है, ये सब चीज़ें मतलब ग्रामीण जो वातावरण है वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खाना आप खा सकते हैं, और उसके साथ ही एक रिटेल साथ में वो चाहे तो जो गांव से बनी हुई चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से पैक हों की हुई उनको भी आप अपने उनसे खरीद करके ले जा सकते हैं। तो एक इस तरह की व्यवस्था कायम करने के लिए हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए युवा साथी हैं वो ऐसा एग्रो टूरिज्म और फार्म टूरिज्म का प्रोजेक्ट बना करके इस योजना में लाभ ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा रिटेल आउटलेट्स खोलने का भी इसमें प्रावधान है। आप अपनी दालें हैं, तिलहन है, कुछ ऐसी तरह से जो कि ऑर्गेनिक खाद से बनी हुई चीज़ें हैं जिनको कि शौक से टूरिस्ट ले जाता है
और इवन वो बहुत बाज़ार से बहुत महंगे दामों पर भी खरीदने को तैयार होते हैं क्योंकि उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है। तो वो भी अपने इस प्रोजेक्ट में आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा, कृषि और बागवानी संबंधी जो औजार हैं, उपकरण हैं, उनके निर्माण के लिए भी आप कार्यशाला बना सकते हैं। जी, जी। इसमें खासकर तो उसमें वर्कशॉप का निर्माण है, संबंधित मशीनरी औजार जो उन औजारों को बनाने के लिए आपको चाहिए वो आप उसमें खरीद सकते हैं। जी। वेल्डिंग मशीन है, कटिंग मशीन है, इन सबको आप अपनी परियोजना रिपोर्ट में शामिल कर सकते जी, हैं। जी, नर्सरी तैयार करना। जी जी बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था अभी। अच्छा। कि आजकल देखिए फूल फलों की है, सब्जी की नर्सरी तैयार करने के लिए अब वैसे तो हमें लगता है कि इसमें किन उपकरणों की जरूरत नहीं है, पर अगर हम इसको एक वैज्ञानिक तरीके से शुरू करें तो इसमें आपको पैकेजिंग मशीनों की जरूरत पड़ती है, सीडिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, टूल्स की, कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ासकर जब आप ये नर्सरी तैयार करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए गुड्स कैरियर, कोई छोटा सा वाहन जो कि आप इस तरह के जो छोटी जीप या छोटा और इस तरह का यूटिलिटी टाइप का वो ले सकते हैं, जिसको कि गुड्स कैरियर कहते हैं, वो आप अपनी परियोजना रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं। एक कृषि व बागवानी से जुड़ा हुआ है एक और ऐसी परियोजना है जो कि हमारे युवा साथी हैं जो कि कृषि विश्वविद्यालयों से पढ़ के आते हैं, बागवानी विश्वविद्यालयों से स्नातक होके आते हैं, तो वो टिश्यू कल्चर एक ऐसी विधि है जिसमें कि आप जड़ है, तना है, पुष्प है, फूल है, उसको एक नियंत्रित परिस्थितियों में जो कि पोषक माध्यम पर आप पैदा करते हैं, और उसके बाद जो हर एक उसमें एक कोशिका सेल जिसको बोलते हैं, वो पूरे का पौरा, वो जो सेल है उसमें एक ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वो पौधा बन सकता है। जी। तो ये एक टिश्यू, और उस पौधे से जैसे आप नर्सरी बनाते हैं वैसे टिश्यू कल्चर के माध्यम से भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें कुछ उपकरणों की ज़रूरत होती है, कुछ सुविधाओं की ज़रूरत होती है, जैसे स्टरलाइजेशन करना जिससे कि उसमें और बाहर से कीटाणु ना लग सके, कल्चर तैयार करना उसके लिए उपकरण चाहिए, डिस्टिलेशन आसवन एक इकाई होती है डिस्टिल करने के लिए, जी, जी। वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रसायनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब के लिए फिर कुछ एक शेड बनाना जहाँ पर आप ये सब सुविधाएं उत्पन्न कर सकें, रख सकें, तो ये टिश्यू कल्चर भी एक बहुत ही उपयोगी एक प्रोजेक्ट है जिसको कि इस योजना में आप ले करके लाभ उठा सकते हैं। और कृषि उत्पादों के लिए जो वेयर हाउसिंग के आप बना सकते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं जो भी आप कृषि उत्पाद, जी, जी। और उनकी लंबी शेल्फ लाइफ ताकि वो ख़राब ना हो, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, जी, और जी। उसी तरह से ठंडे रख जो वाहन होते हैं जिनमें कि आप वो अभिशीतन की एक प्रणाली होती है जिसमें आके आप लंबे समय तक उन उत्पादों को सुरक्षित रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जी, जी, जी। वो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर सकते हैं, जी। तो इस तरह से एक वेयर हाउसिंग का काम भी कर सकते हैं। जी जी जी, ये तो बात की हमने उन उद्यमों की जो सीधे तौर पर कृषि और बागवानी से जुड़े। मेरे अगर आप मुझे अनुमति दें तो दो चार और बचे हैं जिनकी सुविधा के लिए मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि कुछ भाई हमारे हिमाचल में लगभग 16,000 के करीब ऐसे परिवार हैं जो कि रेशम से जुड़े हुए हैं। रेशम मतलब वो रेशम का कीड़ा पालते हैं, शहतूत के पत्तों से रेशम का कीड़ा वो खा करके कोकून बनाता है, और कोकून से फिर धागा बनाने की इकाइयाँ, वो रेशम का धागा बना सकते हैं, और उसको आगे जो ऐसी इकाइयाँ हैं जिससे कि आगे रेशम के वस्त्र बनते हैं और इससे एक अच्छी कमाई का साधन है वो कर सकते हैं। दूसरी, हमारे युवा साथी जो अच्छे पढ़े लिखे हैं कृषि बागवानी के बारे में, जिनको अच्छा ज्ञान है, वो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोल सकते हैं। जी जी। अब मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में ऐसा है कि आपको कोई भी अपनी फसल पैदा करनी है, बागवानी करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो ज़मीन है इसमें क्या उर्वरक शक्ति है इसकी, जी जी, इसमें क्या पोषक तत्व हैं, क्या नहीं है, वो जब तक आप अपनी मिट्टी की परीक्षण नहीं कराएंगे प्रयोगशाला से तब तक आप नहीं बता सकते, और उसी के अनुसार आपको ये पता लग जाता है कि मैं अपनी इस जमीन में किस तरह की बागवानी या कृषि कर सकता हूँ। तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एक बहुत अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। अंत में सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी लेनी है तो कहाँ पे संबंध स्थापित कर सकते हैं? देखिए,
इसमें हमारे जो जिला उद्योग केंद्र है, उस जिला उद्योग केंद्रों में महाप्रबंधक कार्यालय है, आप वहाँ पर कभी भी बिल्कुल, वो हर शहर में है, हर ज़िले में 12 ज़िले हैं, 12 ज़िलों में जिला उद्योग केंद्र हैं, वहाँ पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी सुविधा मिलेगी। और इसके अलावा हमारे निदेशालय शिमला में एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, उसका कोड तो आपको पता ही है, 0177 ये कोड है, और 281-34-14 281-3414 ये नंबर है। इस पर आप कभी भी किसी भी कार्य दिवस को 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लगन हो कुछ करने की तो ये योजनाएं हौसला बढ़कर आगे आती हैं और सहायता करती हैं। आज ऐसी ही एक योजना के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं कि आप इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। इसी उम्मीद के साथ अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।